अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के बीच चल रही अनबन की खबरों के कारण सोशल मीडिया पर काफी चर्चा होती रहती है। इस बात को लेकर चर्चा तब शुरू हुई जब अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन बेटी राधा के साथ अंबानी की पार्टी में अलग पहुंची। इस मामले पर ऐश्वर्या और अभिषेक ने चुप्पी साध रखी है। करण जौहर के शो के एक एपिसोड में जया बच्चन और श्वेता बच्चन पहुंची। इस शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। साथ ही साथ करण जौहर के शो में हेमा मालिनी और जया बच्चन पहुंची थी। इस शो में दोनों अभिनेत्रियों की बेटियां भी पहुंची थी। इस शो में करण जौहर ने जया बच्चन और श्वेता से पूछा, क्या आपके पास अभिषेक और ऐश्वर्या को शादी से जुड़ी कोई सलाह है देने को? जया ने कहा कि अगर अभिषेक कुछ बदल कर व्यवहार करेंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। ऐश्वर्या को वैसे ही रहना चाहिए जैसे कि वो है। अभिषेक के प्रति प्यार और सम्मान से वो रहती है। भाभी ऐश्वर्या के लिए श्वेता ने कहा कि वो परफेक्ट है। मुझे नहीं लगता कि हमें उन्हें कोई भी राय या सलाह देनी चाहिए। ऐश्वर्या के पास बहुत धैर्य है जिससे कि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल सकती है, खासतौर पर अभिषेक के साथ। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने साल 2007 में शादी की। साल 2011 में उन्होंने अपनी बेटी का स्वागत किया। आनंद अंबानी की शादी के समारोह में ऐश्वर्या राय बेटी आराध्या के साथ पहुंची थी। वहीं इस पार्टी में बिग बी, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, श्वेता नंदन, नव्या नवेली नंदा, निखिल नंदा एक साथ पहुंचे। हाल ही में जब ऐश्वर्या पेरिस में थी तो उन्होंने अपनी वेडिंग रिंग भी दिखाई थी, जिसके बाद सभी के मुंह बंद हो गए थे। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय, आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम नीति सभी को जाने के लिए जुड़े रहने के साथ और देखते रहें नेक्स्ट सन लाइव।